पिछले वर्ष जो आपने परीक्षा दिया था जो लोग, तो इसमें हिंदी गद्यांश आए थे। क्या आए थे? हिंदी गद्यांश। उसमें भी दो तरह की गद्यांश पूछ दी जाती है कि जैसे उसमें लिखा रहता, पूरी बात समझ लीजिए, बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो उसमें आप गलतियां कर बैठते हैं। उसमें लिखा रहता है कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट लिया हिंदी तो कौन सा पार्ट करना है, अगर आपने लैंग्वेज सेकंड हिंदी लिया है, जैसे आप क्या करते हैं, विषय का चयन करते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट हमारी हिंदी होगी, दूसरा हमारा क्या होगा, अंग्रेजी होगी। तो उस तरीके से वो लिखा रहता है कि अगर आपने लैंग्वेज में पहले चयन किया है तो इस गद्यांश को करना है, अगर लैंग्वेज सेकंड में चयन किया है तो इस गद्यांश को करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो दो गद्यांश दिए रहते हैं, दो गद्यांश में अगर लैंग्वेज फर्स्ट चयन किए हैं तो इसको करना होगा, वहाँ निर्देश होगा, और अगर लैंग्वेज सेकंड को हिंदी में रखे हैं तो इस गद्यांश को करना होगा। तो फिर भी हमको चाहे लैंग्वेज फर्स्ट आपने चयन किया, चाहे सेकंड चयन किया, जो भी पेपर में गद्यांश आया है हम दोनों गद्यांश आपको बताएंगे। तो इसमें दिया गया है, आप देखिए पेपर, आप पेपर का एनालिसिस करिए, पेपर यहाँ बताया जाता है, पेपर का एनालिसिस करिए कि हम किस तरीके से गद्यांश का आंसर देंगे। अभी से पहले एनालिसिस करिए कि किस तरीके के गद्यांश आती है। तो जब भी गद्यांश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो उसी तरीके की चीज़ें दिमाग में बना करके आप पढ़ें करें, पहले से ही मालूम होना चाहिए। दिया गया है, साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। उसने कहा कि साहित्य क्या करता है, समाज को हमेशा निरंतरता प्रदान करता है, समझ रहे हैं, माने हमेशा आपको आगे बढ़ने की बात वह करता रहता है। निरंतरता का मतलब वहाँ हुआ, साहित्य का मतलब है जिसमें शब्द और अर्थ का सहभाव हो, उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य। तो परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दिया कि श्रद्धा और भक्ति के योग का नाम साहित्य है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, समझ गए। तो अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो उससे आपको बहुत मतलब नहीं है, मतलब आपको इस गद्यांश के अनुसार प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। यह साहित्य, साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है। उसने कहा कि निकट संबंध है, साहित्य और समाज का संबंध क्या है, गहरा है कि बहुत ही निकट है, एक दूसरे के बिना उसको चल नहीं सकते, क्योंकि साहित्य क्या करता है, मानव जीवन को अच्छा जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। तो दिया गया साहित्य और समाज का गहरा संबंध है कि साहित्य में समाज के विश्रृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। दिया गया कि साहित्य में समाज के विश्रृंखलित होते ही, सुनिए, जब समाज टुकड़े टुकड़े में बंट जाएगा, यहाँ लिखा गया है विश्रृंखल, एक मिनट, यहाँ आप देख रहे हैं, माने अगर समाज विच्छेदित हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा, सिद्धांत क्या होंगे, टूटते हैं और बिखर जाएंगे, मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहेगी। मान लीजिए समाज में यह जाति भावना जो सद्भाव है, सामाजिक सद्भाव है, अगर ये बिगड़ जाएगा तो क्या है, सिद्धांत टूटते तो उस क्या है, सारे सिद्धांत क्या होंगे, टूट जाएंगे, हम नियम कानून से या जो नैतिक चीज़ें हैं उसके अनुसार हम नहीं रह सकते हैं। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर काल जयी बन पाता है। दिया गया साहित्य की विशेषता क्या है,
वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर, समझ रहे हैं, माने साहित्य क्या है, जो कहने का मतलब हमारे समाज में बंधन है वह तोड़ करके उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन जाता है। मतलब उस पर कालजयी का मतलब यह है जो भूत भविष्य वर्तमान, ठीक है, सब पर क्या है, विजय प्राप्त कर ली है, उसे हम क्या कहते हैं, कालजयी रचना। साहित्य में आता है कि यह इसकी कालजयी रचना है, माने भूत वर्तमान भविष्य सब पर विजय प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, आइए कालजयी। अब समझ गए, दिया गया है जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदना, मानवीय सत्य, जो मानव, मानवी का मतलब क्या होता है, एक मानवी गुण होता है कि मानव के गुण क्या होने चाहिए। हम कहते हैं कि मानव के गुण क्या है, कि हम दूसरे को कष्ट न दें, नैतिक आचरण करें, सद्भाव बनाए रखें, समन्वय बनाए रखें, ये सब क्या है, मानवी गुण। तो दिया गया, इसमें लिखा गया है आप, जिसमें मानवी सत्य की व्याख्या हो, मानवी सत्य क्या है उसकी व्याख्या होनी चाहिए। फिर दिया गया है संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो, माने संवेदना माने सहानुभूति होती है, समझ रहे हैं, जैसे कोई दुख में पड़ गया तो उसके प्रति आपकी क्या होती है, संवेदना जगती है। संवेदना का मतलब सहानुभूति, कि मतलब यह है कि यह व्यक्ति कष्ट में है तो उसके प्रति आपके अंदर दया भाव का जो है, दया भाव आता है। ये चीज़ें दी गई हैं। आगे दिया गया, समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना, माने साहित्यकार क्या करता है, जैसे ही समाज में स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसको पहचान लेता है और पहचान करने के बाद अपनी रचना करता है। साहित्यकार का काम क्या है, साहित्यकार का काम कहने का मतलब यह निबंध लिखे जाते हैं, अन्य चीज़ें लिखी जाती हैं, कहानी है, नाटक है, ये लिखे जाते हैं, तो जैसे समाज की स्थिति बिगड़ती है तो समाज में जो स्थितियां हैं और समाज में जो गलत काम हो रहे हैं उसी के अनुसार वह कहानी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, जिससे लोग क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो उसमें दिया गया कि पहचाना, साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को क्या करते हैं, पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तमाम ऐसे रचनाकार हैं, जैसे प्रेमचंद हुए, क्या हुए, प्रेमचंद, जैसे गोदान उपन्यास लिखा, गमन लिखा, उर्मिला रंगभूमि लिखा, प्रेमाश्रम लिखा, तमाम उपन्यास लिखे। तो उन्होंने एक बार गोदान लिख दिया तो वह अपनी छाप क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो दिया गया तमाम ऐसे रचनाकार हैं जो अपनी छाप छोड़ देते हैं कि मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। अच्छा, हर युग में बनी रहती है, माने आज भी नहीं है, किसी भी युग में उसकी आवश्यकता बनी रहती है। उसी का हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल और उदाहरण देते हैं, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं, माने जिनके विचार सदैव तरोताजा क्या रहते हैं, माने बार बार उस विचारों की हमें क्या करती है, आवश्यकता पड़ती है। हम बार बार हर चीज़ों में जहाँ भी ऐसी बातें आती हैं तो हम उसे उदाहरण स्वरूप आपके सामने पेश करते हैं। अब दिया गया, जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व भी निभाते हैं, और उन्हीं रचनाओं के आधार पर क्या होता है, समाज क्या होता है, दीप्त माने आलोकित, आगे बढ़ता है, क्या होता है, आगे, उन्हीं रचनाओं के सहारे समाज क्या करता है, आगे बढ़ता है। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता है,
बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की भी क्या करता है, कोशिश करता है। माने जो मनुष्यों में विश्वास पैदा होना चाहिए वो चीज़ें क्या करता है, वह ये साहित्यकार करता है। तो यहाँ आपको सुन लीजिए, अगर आपसे पूछा गया, वो प्रश्न क्या पूछा है अभी तो मैंने देखा नहीं, आपको अगर ये पूछा जा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, इस गद्यांश का आपके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सुना इतना, तो अगर आपसे पूछा जा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, बोलिए, साहित्य का महत्व क्या होगा। मेन चीज क्या दिया गया, साहित्य और साहित्यकार दो चीजें दी गई हैं, साहित्य और साहित्यकार का महत्व, दो चीजों का इसने उल्लेख किया कि नहीं किया है। अब वह क्या चीजें डालता है इससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन आप सुनिए, अब आपको जब ये दे दिया गया कि आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि साहित्य और साहित्यकार, अब आप देखो, अब आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर देना होगा तो इसको केंद्र में रख करके आप अगर उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। यह चीज़ें हमेशा प्रश्न का उत्तर देते समय ध्यान रखना है कि हमारा केंद्र बिंदु क्या है, साहित्य और साहित्य का। अब समझ गए, अब आपको आते हैं हम, कहाँ से है जी, ये तो आगे चला गया, अब आपको दिया गया, आप सुनिए, आप प्रश्न को ध्यान में न रखिए, आप अपने अकॉर्डिंग उत्तर देने की कोशिश करिए, कोई नकल नहीं कि हम देख लेंगे, आपने पूरी बात पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप क्या करें, आप स्वयं उत्तर दीजिए, आप क्या करिए, स्वयं उत्तर देने की कोशिश करिए। अब दिया गया गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है, दिया गया है सामाजिक विघटन की या समाज के आधुनिक होने की या मूल्यों के बिखरने की या नए सिद्धांतों के बनने की। अब बताइए, सामाजिक विघटन की या समाज के आधुनिक होने की या मूल्यों के बिखरने की और नए सिद्धांतों के बनने की, पूछा कि नहीं पूछा, आप बताइए। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, गद्यांश को जैसे एक बार आपने पढ़ा तो यहाँ समाज के आधुनिक होने की तो एकदम गलत हो गया, दिया गया कहीं उल्लेख है समाज के आधुनिक बनने की, मूल्यों की बात की गई है कि नहीं, नए सिद्धांतों के बनने की या सामाजिक विघटन की, सामाजिक विघटन की बात की गई है, बोलिए, आप देखिए, आप सुनिए, आप अंतर दीजिए अपना। अब आपको अगर आप कहेंगे तो हम पीछे निकल जाएंगे, आप यहाँ देखिए, मूल्यों के चिंता बराबर बनी रहती है किसके, दिया गया है कि यहाँ लिखा गया, आप देखिए, विश्रृंखल होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बनी रहती है, दिया है कि नहीं दिया है, आप देखिए,
साहित्य सजैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध है। साहित्य में समाज के विश्रृंखल होते ही क्या, समाज के विश्रृंखल होते ही सिद्धांतों और टूटते बिखरते मिलियों की चिंता बराबर बनी रहती है। तो आप अब आप बताइए कि जब समाज में विघटन होगा तभी न नए सिद्धांत और ये इसके विघटन की बात की जाएगी। तीनों चीजें लिखा है, आप ध्यान रखिए यहाँ कि साहित्य में समाज के, साहित्य में समाज के विश्रृंखल होते क्या, अगर समाज विश्रृंखल हो गया तो सिद्धांत और ये मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। तो आप हमें ये बताइए कि समाज में विश्रृंखलता का महत्व देंगे पहले तो क्या है, ये है ना, तो समाज में क्या है, विघटन, क्या विघटन। जब समाज में विघटन होगा तभी जा करके क्या होगा, सिद्धांत और टूटते हुए मूल्यों की का क्या होगा, बदलाव होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि साहित्यकार में किस तरह की चिंता झलकती है तो सामाजिक विघटन की, किसकी, सामाजिक, क्योंकि सामाजिक विघटन के बाद ही मूल्यों की, मूल्य और सिद्धांत क्या होंगे, टूटेंगे। भाई देखिए मूल्य और सिद्धांतों की भी बात किया गया और यहाँ सिद्धांतों के टूटने की बात किया गया, मूल्यों की बिखरने की बात किया गया कि नहीं किया, लेकिन कब, जब सामाजिक विघटन होगा तब। आप बात समझ लीजिए, तो आपको गद्यांश इस तरीके के नहीं आएंगे कि आप बड़े आसानी, अब तो मैंने तो बताया कि तीनों बातें उसने रख दिया, बस विघटन की भी बात किया गया, सिद्धांतों के टूटने की भी बात किया गया, सारी बात किया गया, लेकिन वहाँ आप पढ़िए जब समाज विश्रृंखलित होगा तभी हमारे मानवीय मूल्य और सिद्धांत क्या होंगे, टूटेंगे। तो इसलिए पहली प्राथमिकता क्या हो गई, क्लियर, अब समझ गई कि आपके गद्यांश इतने आसान नहीं होंगे, आपको पूरे गद्यांश का सेंस समझना होगा। वैसे कोई कहता हो, अलग अलग लोगों की राय है कि नहीं अरे गद्यांश क्या है, ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से करना, जब तक पूरा उसका सेंस नहीं मालूम होगा तो आप सीटेट के गद्यांश करने के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब समझ गए, इसके बाद देखिए किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। आपने पढ़ा, मैं बैग जा रहा हूं, लिखा गया जो समाज को विकास करते हैं, जो समाज को जागरूक करते हैं। अब आप देखिए जो समाज का विकास करते हैं, बात तो भी सही है कि भाई साहित्यकार का काम करना क्या है, समाज का विकास करना, समाज को जागरूक करते हैं, विकास में अलग अलग है और ये चीज़ें सही हो सकती हैं कि समाज को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं, जो समाज का मनोरंजन करते हैं ये टोटल गलत हो सकता, जो समाज को नैतिक बनाते हैं। अब इसमें आपको देखिए दो चीजें जब आपको आई यहां, ये अब इसी दो में आपको चयन करना होगा। तो दिया गया है कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो जो समाज का विकास करते हैं, जो समाज को जागरूक करते हैं या जो समाज को नैतिक बनाते हैं। अब आप पीछे आइए, यहां दिया गया है, यहां लिखा गया जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, लिखा गया। प्रश्न आपको अब यहीं आपको पढ़ना होगा बारीकी से,
कि जो जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, तो यहाँ लिखा गया, आप देखिए, जिसमें मानवीय शक्तियों की व्याख्या हो, जिसमें आस्था जगाने का प्रयास हो, समय समय पर साहित्यकारों ने समाज को बदतर होने की स्थिति को पहचाना, कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा रहते हैं, जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती हैं। उनका साहित्यकार केवल समस्याओं को नहीं बल्कि मनुष्यता में विश्वास बचाए रखने की कोशिश करता है। आगे देखिए, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो, संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो, समय समय पर साहित्यकारों के बदतर होने की स्थिति को पहचाना हो, कुछ रचनाकार आप हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गाथ जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, तो अब आप बताइए कि अब इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए, हर युग में बनी रहती है, साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप, जब आप ऊपर से आप पढ़ेंगे यहाँ कि वही साहित्य काल बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर बन जाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो, संवेदनाओं के सहारे आस्था को जगाने का प्रयास हो, और समाज के बदतर होने की स्थिति को जिसने पहचाना हो। तो आप देखें, तो क्या जो समाज का विकास करते हैं, नहीं, जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज को नैतिक बनाते हैं, तो क्या जो समाज को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं, वे ही क्या होते हैं, ये समाज का विकास करते, जो समाज को जागरूक करते हैं। साहित्यकार का काम क्या होता है, समाज का विकास नहीं करना, समाज का क्या होता है, समाज को जागरूक बनाना। अगर आप सोए हैं तो वह चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब बात समझ में बात आ रही है, जो समाज को क्या करते हैं, नैतिक से मतलब नहीं है, साहित्यकार का काम है कि समाज को जागरूक बनाना। अगर आप क्या है, सोए हुए हैं, तो आपके जगाने का काम क्या करता है, साहित्यकार अपनी लेखनी से करता है। अब बात समझ में आ गई, अब दिया गया है विश्रृंखलित में प्रत्यय है, बताइए क्या है, खलित में क्या है, इत, विश्रृंखल है, विश्रृंखल, आप देखिए शब्द क्या है, दिया गया है विश्रृंखल शब्द है, विश्रृंखल क्या है, शब्द है, विश्रृंखल मूल शब्द क्या है, विश्रृंखल, अब विश्रृंखल में क्या जुटा है, इत, क्या जुटा है, इत, तो कौन सा प्रत्यय हो गया, इत प्रत्यय, विश्रृंखल, विश्रृंखलित क्या है, विश्रृंखलित में कौन प्रत्यय है, इत प्रत्यय, समझ गए। और आगे देखिए, तो प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होता है, एक क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है। तो विश्रृंखलित क्या है, तद्धित प्रत्यय है, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम, शब्दों में जब कोई प्रत्यय होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय, समझ गए। ये भी पूछा जा सकता है, घुमा सकता है
कि आप ये बताइए कि विश्रृंखल में कौन सा प्रत्यय है, तो हम क्या लिखेंगे? तद्धित। क्या लिखेंगे? तद्धित प्रत्यय। अगर उसने पूछ दिया कि प्रत्यय का रूप क्या है, यहां आपको ये चीजें न लिख करके आपको दे दिया गया तद्धित और यहां लिख दिया गया एक कृत, तो आपको इसमें चयन करना होगा तद्धित। प्रश्न तो किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं ना। अब समझ में बात आ रही है? आप देखिए कि गद्यांश कितने टफ होते हैं। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? समाज के बदतर होने की स्थिति, बद से बदतर माने एकदम खराब, क्या है? बद से बदतर का दुराचारी, अभिमानी या बेईमानी या अत्यधिक बुरा, क्या होगा? अत्यधिक बुरा। बद से बदतर माने बुरा से भी बुरा। अब उसके बाद कोई रेखा नहीं। अब उसके कहने का मतलब यह है कि अब उसके बाद कोई रेखा नहीं है, उसके बाद अब समझ गए दिया गया है। अब जो लोग बैठे होंगे परीक्षा में, अब यह है कि आपको देखिए, अब यहां तो मान लीजिए मुरा में पूरा टाइम लेकर के आपको बता रहा हूं ना, जैसे वहां को तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? टाइम मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ की तरह एक घंटे में हम बता रहे हैं तो एक घंटे में एक गद्यांश नहीं होगा, एक घंटे में एक गद्यांश तो सॉल्व किया नहीं जाएगा। वहाँ तो टाइम मैनेज करने की बात है। लेकिन आप जब इन सब चीज़ों को आप देखेंगे कि हमें इस तरीके की चीज़ें आएंगी, हम कैसे मैनेज करेंगे, तो ये चीज़ें क्या होंगी? अभ्यास से होंगी। काल जयी से तात्पर्य क्या है? हमने कहा काल जयी कि यह काल जयी रचना है, अल्प काल तक रहने वाला, जो काल बीज हर काल में प्रासंगिक हो, चाहे भूत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, सब में उसकी जरूरत होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? काल जयी। हर कालों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। देखिए दो चीजें, अब इसके अर्थ हैं काल जयी। जयी माने क्या होता? काल जय माने काल पर विजय प्राप्त करना। काल का मतलब क्या होता है? यमराज नहीं, भूत वर्तमान भविष्य। काल तीन होते हैं, तो जिसकी तीनों में भी जरूरत पड़ती है उसे हम क्या, ये ऐसी रचना, चाहे आप वर्तमान में पढ़ें, चाहे भविष्य में, चाहे कहीं, वह तीनों जगह उसकी उपयोगिता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कालजयी। तो हर काल में जो प्रासंगिक हो, जिसके हर काल में आवश्यकता हो, अब समझ गए। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? निश्चित धारणा विश्व में संबंधित नियम। देखिए ये गलत है, ये भी गलत है। तत्व ज्ञान संबंधी ये भी गलत है। विश्व में क्या है ये भी गलत है। क्या है? निश्चित धारणा हो गया। अब यहां विश्व में लिखा गया, समझ गए? विश्व में पूरा संसार क्या है? पूरा विश्व में हो गया, तो विश्व में दिया गया। विश्व से संबंधित तत्व ज्ञान से कुछ नहीं। विश्वास का मतलब क्या होता है? निश्चित धारणा। अब समझ में बात आ रही है? आगे देखिए, ये क्या दिया गया है जी? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर
ये दूसरा है क्या, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये तो इसमें दिया नहीं गया था, ये कहाँ से आपने रख दिया इसको बताइए। हाँ ये दिया गया है, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया। अब आप देखिए, दिया गया साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया, बिखरता हुआ समाज, विकास की ओर अग्रसर समाज या पतन की ओर जाता हुआ समाज। तो आप बताइए कि साहित्यकारों ने समाज की स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया तो किसको प्रयास करेगा, उन्नतशील समाज को थोड़ा नहीं प्रयास करेगा, बात समझ गए। अच्छा, विकास की ओर जाता हुआ उसको भी नहीं पहचानेगा, दो चीज़ें हैं, पतन और पतन की ओर जाता हुआ या बिखरता हुआ समाज, समझ गए। तो क्या है, बिखरता हुआ समाज, यहाँ क्या दिया गया, बिखरता हुआ समाज, अब समझ गए। तो ये आपको दिया जाएगा कि साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया। तो पतन की ओर जाता हुआ समाज नहीं, क्या, जब समाज बिखर रहा था तो उसको पहचानने का प्रयत्न उसने किया। सेंस आपको, आपको समझ में आ रहा है ये बात, बोलिए। परीक्षा आप लोगों ने दिया होगा, समझ के। तो आगे देखिए, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है, बन पाता है, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। कालजयी साहित्य किसे कह सकते हैं, जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे, जो समाज का दर्पण हो, जो पाठ, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। यहाँ देखिए, ये तो आपका होगा ही नहीं, जो समाज का दर्पण हो, जो पाठकों का मनोरंजन करे, जो बिखरते सिद्धांतों की, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। अब पीछे हमको भी आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता, अब आप यहां देखिए, यहां आप देखिए, जिसने दिया गया जी, जो मानवीय सत्य की व्याख्या हो, क्या दिया गया, वही कालजयी साहित्य बन पाता है जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। ये सही दिया गया कि नहीं, क्या कि कालजयी साहित्य बन पाता है जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। अब समझ गए। तो देखिए, हम पढ़ करके नहीं, ये सब चीजें मतलब पढ़ करके अगर आप आते हैं और उसका आंसर आपको तैयार है तो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। जब आपके सामने क्वेश्चन हो और आप उसके बारीकियों को समझें, उसके उत्तर देने में आनंद आता है, ठीक है। आगे देखिए, अब समझ गए आप। यहाँ इसलिए आपको दिखाए, पीछे बैग जाने का मतलब यह था कि आप इस गद्यांश को देखें। यहाँ दोनों चीज़ें दी गई कि मानव साहित्य लिखा गया कि जहाँ जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो, संवेदनाओं के सहारे आस्था को जगाने का प्रयास हो और समय समय पर साहित्यकारों ने बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। तो अब आप जब यहाँ आएंगी तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
जो मानवीय सत्य की व्याख्या हो। आगे समाज को गति कौन प्रदान करता है? साहित्य, साहित्य विज्ञान तकनीकी या शिक्षा? साहित्य। आप सुन लीजिए, समाज को गति तो तमाम लोग प्रदान करते हैं, लेकिन हमारा जो गद्यांश था तो साहित्य और साहित्यकार की ही बात है। मैंने कहा क्या कि आप अपने को साहित्य और साहित्यकार को केंद्र में रख करके प्रश्नों का आप क्या करें, उत्तर दें। अब यहाँ यहाँ का जो प्रश्न आएगा वहाँ साहित्यकार और साहित्य दो चीज़ें आप केंद्र बिंदु में रख करके उत्तर देंगी तो आपके उत्तर गलत नहीं हो, पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि आप देखिए साहित्य, यहाँ मेन चीज़ें साहित्य की बात की गई। अब यह समझ में आ गई बात, समझ गई? दिवसावसान का समय समीप था। अब ये दिया गया, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिस्थिति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यह गद्यांश जब हम सीटेट में पढ़ा रहे थे पिछली बार, मैंने सीटेट तो हम कई वर्षों से पढ़ाते हैं, तो इसमें हमने यह मानवीकरण अलंकार में उदाहरण में इस कविता को लिखाया था। मानवीकरण अलंकार और यही कविता आई हुई है, यही कविता आई हुई है दिवसा, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। तो दिया गया दिवसावसान का समय, दिवसावसान का मतलब दिन ढल रहा था, दिन क्या हो रहा था, ढल रहा था माने संध्या होने वाली। मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, कौन संध्या क्या थी, परी की तरह क्या हो रही थी, उतर रही थी, हो गया। तो यहां आप देखिए, जब जब प्रकृति के गुण, मानव के गुण जो है प्रकृति में दिखाए जाते हैं तो मानवीकरण अलंकार होता है। संध्या परी नहीं है, संध्या क्या है, परी नहीं है, परी क्या होता है, यह मानवीय गुण है। स्त्रियां होती हैं वह क्या है, मानव है। तो जब स्त्रियों को माने मानवीय गुणों को क्या होता है, मानवीय चीजों को प्रकृति में दिखाई जाती है, वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। दे दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन करेगा, एक घंटा का, हाँ तो कराएंगे ही, टीचर बुलाए होंगे, ऐसा तो है नहीं, हो गया। अब इसमें आप देखिए किस अलंकार का प्रयोग इसमें मुखरित हुआ है, मानवीकरण अलंकार का, किसका, मानवीकरण अलंकार का। तो जान गए, मानवीकरण अलंकार का ये होता है कि जब मानवे की, जैसे देखिए फूल हंसे कलियां मुस्काए, फूल हंसते हैं, फूल हंसते नहीं ना है, हंसना किसका गुण है, मानव का गुण है। फूल क्या होते हैं, खेलते हैं। तो जब मानवीय गुणों को प्रकृति में दिखाया जाता है, समझ ना, जब मानवीय गुणों की तुलना प्रकृति में की जाती है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता। तमाम चीज़ें हैं आप देखिए, तो वो तो जब पढ़ाया जाएगा आपको विस्तारित। किसके हंसने की बात की गई थी, मेघ के। अब आप देखिए, हमको बैग जाना पड़ेगा, ठीक है। किसके हंसने की बात की गई है, कहाँ दिया गया है,
मेघमय आसमान से उतर रही सुंधा पदरी थी, तिम्रांचल में चंचलता का नहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उनमें हास विलास। क्या हंसता है तो केवल तारा एक, किसके बारे में कहा गया? तारा के बारे में। हंसता है तो केवल तारा एक, तारा के बारे में कहा गया, तो कहाँ से बादल? आप देखिए, मैंने कहा ना मुझे पूछे जाना पड़ेगा। आकाश में तारे, अब तारा हंसता है तो तारा हंसते नहीं ना, तारे टिमटिमाते हैं। हंसना मानव गुण है, तब भी क्या हो गया? मानवीय गुण, आप समझे, मानवीय करण अलंकार हो गया। तारा की कहाँ क्या है, आप देखिए किसके की बात की गई है, तारा। समझ में बात आ रही है? हाँ, अंदाजे में उत्तर देने की कोशिश न करिए, आप पूरी पंक्तियाँ पढ़िए तो आपको जैसे 15 नंबर ये आते हैं तो 15 नंबर एकदम सॉलिड आपको मिल जाएगा। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है बताइए? प्रकृति का चित्रण हुआ, प्रेम भाव। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? प्रेम भाव का, नव चेतना का या वेदना का? प्रकृति का चित्रण। किसका? नव चेतना की तो बात की गई थी, लेकिन यहाँ प्रेम भाव भी हो सकता, लेकिन यहाँ मेन चीजें क्या है? प्रकृति का चित्रण। किसका चित्रण है? आगे देखिए, संध्या सुंदरी परी से किस तरह के आकाश से उतर रही है बताइए? सूर्य की लालिमा से भरे आकाश से, हो गया यही ना है? हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? संध्या के लिए। किसके लिए? संध्या के लिए। दिवसावसान का, दिवस का संध विच्छेद क्या होगा? दिवसावसान, दिवस धन अवसान, हो गया दिवस धन अवसान। दिवस अवसान नहीं होता है, अवसान, अव माने होता है नीचे, अव माने क्या होता है? नीचे। अव माने क्या होता है? नीचे। अव शब्द क्या होता है? अभाव, माने नीचे। विद्या, अब ये तो आपका ये दिया गया है, अब ये चीजें कल चलेंगी, टाइमिंग भी हो गया। अब ये आपको मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि आप काम करें कि पहले हमने आपको पेपर के रूप दिखा दे रहे हैं, पूरा हिंदी का जितना पेपर का रूप आया है, आप पिछले परीक्षा में आया है, प्रीवियस पेपर है, पहले उसका आप अध्ययन कर लीजिए कि हमको इसी तरीके की चीज़ें हमसे पूछी जाए। कल हम इसको के बारे में आपको बताएंगे कि विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें कल आपको बता दें। अब समय भी नहीं है, सुन लीजिए, समय भी नहीं है, हम उसके लिए किसी को नहीं।